हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 और यूनिट का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक का हमारा लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया था आपको, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ाया था, फिर उसके ट्रूथ वैल्यूज़ बताया था आपको, कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा ओपन सेंटेंस है, ठीक है, किसे स्टेटमेंट कहना है, किसे नहीं कहना है, हर ट्रूथ वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यह तो हमारा फर्स्ट लेक्चर में हुआ था। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव, जो पढ़े थे हमने 5 कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव, उनके ट्रूथ टेबल। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। तो सामने का देखिए, तो पहला जो है ट्रूथ टेबल हमें पढ़ना है कंजंक्शन के लिए। अब इसका ट्रूथ टेबल निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट डालना है और ये कंपाउंड स्टेटमेंट पता है ना आपको, यहाँ पे कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन मतलब एंड, तो इसका सिंबल ऐसे रहेगा, ठीक है, कंजंक्शन मतलब एंड। तो ये पी एंड क्यू, तो ये बनेगा अपना कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो पी एंड क्यू ध्यान में रखिए, कंजंक्शन मतलब सिंबल एंड यूज करना है। तो पी एंड क्यू, अब पी की और क्यू की वैल्यूज कैसे लिखना है आपको, मुझे बताओ, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, इनकी दोनों की वैल्यू क्या रह सकती है, ट्रू रह सकती है, पहला ट्रू रह सकता है, सेकंड फॉल्स रह सकता है स्टेटमेंट, या फिर पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू रह सकता है, या फिर दोनों भी क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटी है, दोनों सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है एक गलत, फिर पहला गलत दूसरा सही, फिर दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज ऑलवेज सेम रहेंगे, ठीक है, P और Q आएगा तब। अब यहाँ पे P एंड Q लिखना है आपको, अब कैसे ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, P एंड Q ट्रूथ टेबल। देखिए यहाँ पे T और T, तो एंड के केस में क्या होगा, T एंड T क्या होगा, T, और बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स। तो बाकी सब आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स, क्लियर हो गया। T एंड T क्या होता है, T आएगा, ठीक है, एंड वाले केस में दोनों अगर सही है तभी ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स, एक भी फॉल्स आ रहा है तो ऑब्वियस है यार, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स। तो ये होगा कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। अब सेकंड ट्रूथ टेबल आएगा डिसजंक्शन का, क्या है, डिसजंक्शन। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए क्या होगा, फिर से वही पी और क्यू आएगा, हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 10 बार मिटाने से अच्छा, एक मिनट, देखो ये कंजंक्शन है। अभी सेकंड वाला क्या करेंगे, हम डिसजंक्शन पढ़ेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन तो सिंबल क्या आएगा, यहाँ पे और आएगा, और वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो ही उसका रिजल्ट फॉल्स रहेगा। तो ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स, एक भी ट्रू आता है तो रिजल्ट ट्रू होता है, तो यहाँ पे ट्रू है तो टी आएगा, इधर टी, इधर टी। तो और वाले केस में क्या ध्यान में रखना है आपको, एफ यफ, ये नीचे वाला ध्यान में रखना है, यफ और यफ, यफ आएगा, और एंड में क्या था, टी एंड टी, टी, बाकी सब फॉल्स, यस। और में क्या हो रहा है, यफ और यफ, यफ, बाकी सब टी होंगे ऊपर वाले, इज दैट क्लियर। तो ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल। फिर आता है निगेशन, नेक्स्ट है निगेशन। निगेशन का ट्रूथ टेबल हमें ड्रॉ करना है, एक स्टेटमेंट लेना है। अब निगेशन मतलब क्या होता है, नॉट यूज करते, किसी भी स्टेटमेंट को अगर नॉट आ रहा है बीच में, तो भाई नॉट अगर आ रहा है तो समझ जाना वो निगेशन वाला स्टेटमेंट है। जैसे एक स्टेटमेंट है पी, इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ट्रू और फॉल्स, एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, पी और क्यू, सिर्फ आपको यहाँ पे पी लिखना है। अब इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन पी मतलब उसका निगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, सॉरी। देखो ट्रू का क्या होगा फिर, फॉल्स, निगेशन मतलब फॉल्स का क्या होता है, ट्रू, हो गया। तो ये हो गया थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ। अब ये डिसजंक्शन हो गया, अभी आपको क्या करना है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल हम निकालेंगे। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ये सिंबल आएगा पी इम्प्लीकेशन क्यू का। देखो ये ट्रूथ वैल्यूज सेम रहेंगी, पी और क्यू का भी चेंज होगा क्या, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, वो वैल्यूज कैसे रहेंगी, रिमेन सेम, ठीक है, वैल्यूज रहेंगी सेम। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये सिर्फ आपके एक कंडीशन ध्यान में रखना है, सेकंड वाला, इसको स्टार मार दो, ट्रू और फॉल्स। इम्प्लीकेशन के केस में क्या होता है, अगर फर्स्ट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो उसका रिजल्ट रहेगा फॉल्स, और बाकी देखिए ट्रू फॉल्स है क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐसा चेक करना पड़ेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहीं पे नहीं है, तो बाकी सब क्या रहेगा, टी रहेगा। तो ये केस मेन है कि भाई ट्रू फॉल्स, टी इम्प्लीकेशन अब क्या होता है, यफ होता है, क्या ध्यान में रखना है, टी इम्प्लीकेशन यफ इज यफ, बस ये केस आपको ध्यान में रखना है।
फिर ये इंप्लीकेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वाला फिफ्थ नंबर का क्या करेंगे, डबल इंप्लीकेशन के लिए बनाएंगे ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा अभी डबल इंप्लीकेशन, नेक्स्ट वाला है डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन ये फिफ्थ नंबर का लास्ट। अब देखिए ये तो सेम रहेगा, एंट्रीज तो अगेन सेम रहेगी। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर दोनों की एंट्रीज सेम है टी 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 आएगा, और दोनों मतलब यहाँ पे भी सेम है तो टी, यहाँ पे सेम है कि एंट्रीज नहीं तो यहाँ पे आएगा फॉल्स फॉल्स, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू ही आएगा। यस, तो ये थे हमारे फाइव ट्रूथ टेबल। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल, डिसजंक्शन का, निगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक के नोट कर लो ये अपने नोटबुक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू। आपको ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म देना है। अब ये क्या है, एक वर्बल स्टेटमेंट है, अब आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, एंड, तो इसका आपको सिंबॉल डालना पड़ेगा। और ये पहला स्टेटमेंट है, इसको हम पी कंसिडर करेंगे, लेट पी, पहला स्टेटमेंट ये रहेगा, टू इज एन इवन नंबर, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्यू 25, ये एंड नहीं लगाना है, ठीक है, तो ये 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किसने किया है, एंड ने, मतलब कनेक्टिव कौन है यहाँ पे, लॉजिकल कनेक्टिव एंड है, ठीक है, तो 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको पहले लिख लेना है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इसका सिम्बॉलिक फॉर्म दे देंगे हम, सिम्बॉलिक फॉर्म। अब ये सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होता है भाई, ये पी यहाँ पे एंड और ये क्यू, पी एंड क्यू, समझ में आया। चलिए करते हैं सेकंड, अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे, अ स्कूल इज ओपन, ये पहला स्टेटमेंट पी होगा, तो पी लिखिए, अ स्कूल इज ओपन, और स्टेटमेंट क्यू क्या होगा यहाँ पे, देयर इज अ हॉलीडे, क्यू स्टेटमेंट रहेगा, देयर इज अ हॉलीडे। और सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा आपका यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन स्टेटमेंट का पी और क्यू, देखो और आया, तो ये और के लिए आपको सिंबल ये यूज करना है, ओके। देन नेक्स्ट, दिल्ली इज इन इंडिया बट, यहाँ पे बट आया है तो कनेक्टिव बट है, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, देखो यहाँ पे नॉट भी आया है, तो नॉट के लिए हम क्या करेंगे, सिंबल निगेशन यूज करेंगे, राइट। तो दिल्ली इज इन इंडिया, तो ये पी रहेगा, लेट पी, दिल्ली दिल्ली इज इन इंडिया, और स्टेटमेंट क्यू क्या रहेगा यहाँ पे, स्टेटमेंट क्यू इज ढाका, इज नॉट नहीं लगाना आपको, सिर्फ इज इन श्रीलंका, क्योंकि नॉट है निगेशन, सिंबल है वो, ठीक है, कनेक्टिव है, ढाका इज इन श्रीलंका, सभी को पता है ढाका तो श्रीलंका में नहीं है, वो होता है बांग्लादेश में, ठीक है, लेकिन आपको ये सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म देना है, तो ज़्यादा कुछ जजमेंट नहीं करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, सही गलत हमें जज करना है कि यहाँ पे नहीं, ट्रूथ वैल्यू तो निकालना नहीं आपको, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म। दिल्ली इज इन इंडिया, इसके लिए पी लिखना है, बट के लिए एंड, बट और एंड का सिंबल एक ही रहेगा, ठीक है, तो बट मतलब ही एंड होता है यहाँ पे, तो बट के लिए सिंबल भी एंड का ही आएगा। ढाका इज नॉट इन मार्स, ढाका जो है सॉरी श्रीलंका, तो ढाका इज इन श्रीलंका के लिए क्यों लेना है, नॉट के लिए क्या करना है, उसके सामने निगेशन जोड़ देना है। तो आया समझ में, नोट कर लो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 3+8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली, कौन सा कनेक्टिव है यहाँ पे, ये कनेक्टिव है इफ एंड ओनली, 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25, तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये रहेगा पहला स्टेटमेंट, 3+8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और क्यू स्टेटमेंट ये सेकंड, 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25, और दोनों को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली, इसके लिए सिम्बॉल क्या यूज करेंगे हम, डबल इम्प्लीकेशन वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिम्बॉलिक फॉर्म, यह सिंबॉलिक फॉर्म लिख लीजिए, पी पहला स्टेटमेंट है, दोनों को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिव है, ये डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली मतलब डबल इम्प्लीकेशन, कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे देखिए, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज लिखना है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तो पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो कनेक्टिव कौन है एंड है यहाँ पे, लेट पी 3 इज अ प्राइम नंबर, ऐसे पूरा सिस्टमेटिक आपको लिखना है, प्राइम नंबर, ओके, समझ में आया। देन 4 इज अ रैशनल नंबर, ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्यू, सेकंड स्टेटमेंट जो रहेगा वो क्यू से डिनोट करेंगे हम, ये आया आपका रैशनल नंबर, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म ये रहेगा आपका पी एंड क्यू, देखो यहाँ पे सिंबल एंड का यूज किया मैंने,
अब आपको इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब पहला स्टेटमेंट जो है, थ्री इज अ प्राइम नंबर, आपको चेक करना है कि ये सही या गलत है, ट्रू या फॉल्स है, बताइए। प्राइम नंबर है थ्री क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं, थ्री जो है वन से डिविजिबल है और थ्री से डिविजिबल है, क्योंकि थ्री दूसरे किसी नंबर के टेबल में आता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये होगा प्राइम नंबर, टू थ्री फाइव सेवन ये प्राइम नंबर होते हैं। तो ये है ट्रू, स्टेटमेंट सही है। एंड अब देखो क्यू, स्टेटमेंट सही है गलत है? फोर इज रैशनल नंबर, यस, क्योंकि इस रैशनल नंबर मतलब जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि आप क्या कर सकते हो भाई, ये फोर को क्या लिख सकते हो, फोर बाय वन लिख सकते हो, तो ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है मतलब टी हो गया। अब आपको ये पता है ना, ट्रूथ टेबल हमने पढ़ा था, एंड के केस में क्या होता है, टी एन टी क्या होता है, टी होता है, बाकी सब एफ होता है, राइट। ट्रूथ टेबल में पढ़ा था टी एन टी टी होता है, तो यहाँ पे आप लिखिए टी, टी एन टी क्या होगा, टी। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आई, टी हो गई। चलिए करते हैं सेकंड, ट्रूथ वैल्यू समझ में आई इसकी। नेक्स्ट, ऑल फ्लावर्स आर रेड, कनेक्ट टू कौन सा और, ऑल काउज आर ब्लैक। तो सबसे पहले पी लिखना है आपको, ऑल फ्लावर्स आर रेड, और स्टेटमेंट क्यों क्या है यहाँ पे, ऑल काउज आर ब्लैक। अब इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे पी ये और का सिंबल है और इधर क्यू। अब इनके ट्रूथ वैल्यूज डाल दीजिए, ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, पहला जो है ऑल फ्लावर्स आर रेड, सभी फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं क्या? नहीं भाई, कलरफुल है, बहुत सारे कलर्स हैं फ्लावर के, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और ऑल काउज आर ब्लैक, सभी के सभी गाय ब्लैक कलर की होती है, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे रहेंगे फॉल्स। तो यफ और यफ, क्या बोला था मैंने, और वाले इसमें यफ और यफ यफ होंगे, बाकी सब तो टी होंगे, जैसे यहाँ पे टी एन टी बोला था टी होता है, वैसे यफ और यफ क्या होगा, यफ होता है, बाकी सब तो ट्रू होते हैं उस केस में, ट्रूथ टेबल तो हमने देखा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, यफ आएगा, मतलब कि फॉल्स। नेक्स्ट, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कनेक्टिव कौन सा यूज हो रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव ई फॉर देन यहाँ पे। तो आप लिखिए पहला स्टेटमेंट, लेट पी मुंबई इज इन महाराष्ट्र, पहला स्टेटमेंट, और क्यू क्या होगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है, इफ देन आया तो सिंबल कौन सा यूज करना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन वाला। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, अब इसके ट्रूथ वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ट्रू है या फॉर फॉल्स है, ट्रू है, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे आपको टी लिख देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी बात सही है। और ऐसे वाले केस में क्या बोला था मैंने, ट्रूथ टेबल में, इसलिए हमने पहले ट्रूथ टेबल पढ़ा, ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। क्या बोला था मैंने, टी एफ अगर रहा तो रिजल्ट होता है फॉल्स, अदरवाइज टी होता है, तो यहाँ पे टी एफ है क्या, नहीं, मतलब रिजल्ट क्या रहेगा, टी। तो भाई फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे इसकी, टी आएंगी, क्योंकि टी इम्प्लीकेशन टी क्या होगा, टी होता है। नेक्स्ट, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट, सबसे पहले लिखना है पी स्टेटमेंट, मिल्क इज वाइट, ये होगा पहला स्टेटमेंट, और क्यू, द सन राइजेस इन द वेस्ट, हो गया। अब दोनों का जो ये है इफ एंड ओनली इफ आया है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, तो ये होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म डाल दिया यहाँ पे। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखिए, मिल्क इज वाइट, सही बात है, ट्रू है इसकी वैल्यू। और नेक्स्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट, होता है क्या, सनराइज कौन से डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे डालो फॉल्स। अब टी डबल इम्प्लीकेशन, ये आप वाले केस में क्या बोला था ट्रूथ टेबल में मैंने, अगर दोनों सेम होते तभी टी आएगा रिजल्ट, दोनों सेम है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है, तो भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हो गए ट्रूथ वैल्यूज ये कंप्लीट, नोट कर लो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थ्री, इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू, यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट पी और क्यू की वैल्यू जो है ट्रूथ वैल्यू वो क्या है, ट्रू है, मतलब टी आएगा, आर और यस कैसा, फॉल्स, मतलब इनकी वैल्यू क्या रहेंगी, यफ रहेंगी। तो आपको ये डिटरमाइन करना है इनकी ट्रूथ वैल्यू ये स्टेटमेंट की। सबसे पहले देखो निगेशन, अब पी क्या था, ट्रू था, तो ट्रू की वैल्यू मतलब यहाँ पे टी लिखेंगे, क्यू
क्यू कैसा है, ट्रू है, तो क्यू की जगह पे टी रख दो। और निगेशन आर, आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मतलब यफ। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर निगेशन टी क्या होता है, निगेशन ऑफ टी फॉल्स होगा, निगेशन मतलब उल्टा उसका, ट्रू का फॉल्स, राइट। फिर एंड, ट्रू एज इट इज, और निगेशन यफ क्या होता है, टी। निगेशन यफ क्या आएगा, क्योंकि ट्रुथ टेबल में हमने देखा निगेशन यफ क्या होगा, टी आएगा यहाँ पे। और यफ पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, टी और टी, टी होता है, क्यों, ट्रुथ टेबल में आपको पता ना यहाँ पे सिर्फ यफ और यफ यफ होता है, बाकी सब तो टी आता है, तो भाई टी और टी भी क्या होगा, टी। फिर यफ एंड टी, यहाँ पे यफ एंड टी क्या होगा, एंड के केस में दोनों साइड ट्रू रहा तभी ट्रू होता है, तो टी एंड यफ क्या होता है, यफ। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यफ। समझ में आया इतना, चलिए करते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, टी है, निगेशन आर की वैल्यू फॉल्स है, निगेशन क्यू, क्यू की वैल्यू ट्रू है, यस की वैल्यू क्या है, फॉल्स, मतलब यहाँ पे अब डाल दो, टी जैसे का वैसा एंड, निगेशन अब क्या होता है, टी, उल्टा कर दो उसको, निगेशन टी क्या होगा फिर, यफ और यफ। देखो टी एन टी क्या होता है, टी, तो टेबल पड़ा है ना, टी एन टी, टी, और यफ और यफ, यफ ही होता है, तो यहाँ पे इसको हटा के यफ लिख दो। अब नेक्स्ट टी एन यफ क्या होता है, एंड के केस में क्या है, टी एन टी रहा तभी टी होता है, टी एन यफ रहा तो क्या होगा, एक भी फॉल्स आया तो यहाँ पे फॉल्स होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट इज फॉल्स, कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ करेंगे हम यहाँ पे। निगेशन पी, पी की वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू टी, इम्प्लीकेशन यहाँ पे भी टी आएगा, डबल इम्प्लीकेशन। आर, आर की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, एंड यस की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, आर और यस की वैल्यू फॉल्स थी, मतलब फॉल्स। ये देखिए निगेशन टी, इम्प्लीकेशन टी क्या होता है, टी इम्प्लीकेशन टी, टी होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीकेशन के केस में बोला था मैंने पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स होता है रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी इम्प्लीकेशन टी, टी, डबल इम्प्लीकेशन, यफ एंड यफ, यफ ही रहेगा, क्योंकि टी एंड टी, टी होता है, यफ एंड यफ, तो यफ ही रहेगा यहाँ पे। निगेशन टी क्या होगा, यफ, डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे भी यफ, यफ डबल इम्प्लीकेशन यफ, रिजल्ट टी, क्योंकि ये दोनों सेम है, डबल इम्प्लीकेशन में अगर दोनों सेम रहे तो टी आएगा, हो गया। यहाँ पे देखिए निगेशन पी, निगेशन टी आएगा यहाँ पे, इम्प्लीकेशन यहाँ पे टी आएगा, क्यू की वैल्यू, आर, आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और यस की भी वैल्यू क्या आएंगी, फॉल्स, तो यफ। निगेशन टी क्या होता है, यफ इम्प्लीकेशन टी, एंड यफ डबल इम्प्लीकेशन यफ होगा टी, क्योंकि सेम अगर रहता है डबल इम्प्लीकेशन में, अभी देखा था हमने तो टी आता है, तो यहाँ पे टी लिख दो। अभी यहाँ पे इम्प्लीकेशन में क्या हो रहा था, मैंने टी एफ यफ होता है, यहाँ पे टी एफ नहीं है, यफ टी आ गया, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, टी एफ चाहिए था, ये पहला टी दूसरा एफ चाहिए था तब यफ होता है, तो यहाँ पे यफ टी होगा, तो ये ट्रू रहेगा, और ये टी, टी एंड टी क्या होता है, टी होता है, इसलिए ट्रुथ टेबल आपको आना जरूरी है। जो फाइव ट्रुथ टेबल मैंने करके दिया है वो अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और समझ लीजिए जैसे बताया है, ठीक है, तो हो जाएगा आपके क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फोर, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ तीन स्टेटमेंट दी है यहाँ पे, आपको सिर्फ इसका निगेशन निकालना है। अब निगेशन आपको पता है ना भाई, नॉट लगता है इसमें, ठीक है, निगेशन मतलब नॉट लगता है। तो अब देखो प्राइस इंक्रीजेस, सबसे पहले आपको टेंस बताना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्राइस, तो ऐसे नहीं लिखना आपको कि यहाँ पे नॉट लगाना है, मतलब प्राइस नॉट इंक्रीजेस, टेंस देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस डज नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना ग्रामर आना चाहिए आपको, तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, वर्ब तो यूज करना पड़ता है ना यहाँ पे, तो ये डज, डज फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो डज नॉट आएगा, डज नॉट, ऐसे नहीं लिख सकते आप प्राइस नॉट इंक्रीजेस, तो प्राइस डज नॉट इंक्रीज लिखना पड़ेगा, ठीक है, यस हटा के यहाँ पे डज आ गया, ठीक है, तो ये डज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, तो निगेशन हो गया, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू वन, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, मतलब निगेशन क्या आएगा, ये नॉट इक्वल्स टू है तो भाई इक्वल्स टू कर दो वन, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या होगा, वन। अब नेक्स्ट फाइव प्लस फोर इक्वल्स टू नाइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइव प्लस फोर नॉट इक्वल्स टू नाइन, यहाँ पे नॉट इक्वल्स था तो इक्वल टू कर दिया, उल्टा कर लो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू है तो नॉट इक्वल्स टू। तो हमारा ये जो लेक्चर है मैथमेटिकल लॉजिक का, ये था हमारा लेक्चर नंबर टू, जहाँ पे हमने आज कंप्लीट किया है, इसके फाइव लॉजिकल कनेक्टिव्स थे, उसके ट्रुथ टेबल कंप्लीट किए हैं, साथ ही साथ कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट के सिम्बॉलिक फॉर्म और ट्रुथ वैल्यूज़
और लास्ट वाला निगेशन। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 से पहला जितना भी बेसिक था मैंने कंप्लीट करके दिया है ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.1 का। तो एक्सरसाइज 1.1 अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी स्टूडेंट्स तक की भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 में।